गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। ओम इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओम नाराज तो नहीं थे मेरे से? अरे नहीं नहीं मजा आ गया आज। मजा आ गया। हाँ ऐसे ही हर बार डेरिवेशन स्किप करवाते चलोगे सर है ना? चलो ठीक है, जहाँ जरूरत है वहां तो करेंगे, जहाँ जरूरत नहीं वहां स्किप कर लिया करेंगे। अब अरे इसको हटाओ भाई, बॉर्डर वॉर्डर को बाद में मेरा नाम लगाता है। अब देखो एक और डिस्कशन है हमारा इंटेंसिटी से रिलेटेड। जैसे मान लो कोई एक सोर्स है जिसकी पावर पी है, ये हो सकता है साउंड का सोर्स हो या लाइट का सोर्स हो, मतलब दोनों में सेम चलता है। यहाँ साउंड पढ़ रहे हैं तो अपन इसे साउंड सोर्स लिख लेंगे, है ना? ओके। इस साउंड के सोर्स से आर दूरी पे आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसकी इंटेंसिटी आई है और पावर पी है, ध्यान रखना। आर दूरी पे आपको क्या निकालना है? इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। बताओ इंटेंसिटी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? फाइंड आउट करनी है तो चेंज तो ही जाएगी। नहीं, हो सकता है ना बराबर भी रह सकती थी ना, क्या दिक्कत है? सोर्स पे आई है और उस पॉइंट पे आई डैश है, आई डैश हो जाएगी। ठीक है, अब आई डैश होता क्या है? पावर पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा यूज करोगे? देखो ये जो साउंड है वो पूरे स्फीयर बनेगा, पूरे स्फेरिकल फॉर्म में अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो पावर सेम मैंने चेक करवाया है पहले तुम्हें, 4 pi r square, हाँ, ये हीट वाले रेडिएशन वाले। इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये 1/r² के प्रोपोर्शनल है, s नॉट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डेल्टा p नॉट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये वापस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि काम की चीज है सारी। और अगर उसमें स्ट्रिंग वेव में देखें तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? हां सर, है ना? इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि साउंड वेव में हमारा जो भाई बेसिकली क्या इंटेंसिटी तो काम करती है ना। साउंड वेव में हमारा देखो, साउंड वेव का एम्पलीट्यूड देखो, साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, ये स्क्वायर देखो 1/r² के प्रोपोर्शनल है। इसको सॉल्व करोगे तो एस नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r और डेल्टा पी नॉट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r, है कि नहीं है? तो प्रेशर का एम्पलीट्यूड भी 1/r के प्रोपोर्शनल है और उसका डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड भी 1/r के प्रोपोर्शनल है। समझ आ गई बात? ये नीचे का नया है। हाँ नहीं है। अब क्या होता है ना कि जब लोकेशन चेंज होती है ना तो साउंड वेव में एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। तो अपने को यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना है, नोट डाल के लिख लेना है कि फॉर साउंड वेव एम्पलीट्यूड आल्सो चेंज, फॉर साउंड वेव एम्पलीट्यूड आल्सो changes as distance, distance का मतलब location। सर मतलब ये r अगर same r distance पे हो पर अलग direction में तो भी change होगा? नहीं 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 नहीं, direction नहीं, सिर्फ location, मतलब दूरी। तो r तो r ही रहेगा ना, कहीं पे भी जाए ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। ये तो हो गया point number one, but ऐसा उसमें नहीं हो रहा था स्ट्रिंग वेव में, उसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। फॉर स्ट्रिंग वेव एम्पलीट्यूड रिमेन्स, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट या सेम, एम्पलीट्यूड रिमेन्स सेम। Slowly, 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 slowly. सर हाँ,
तेरा बार बार ही प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल लिख रहा है तेरा, मुझे लगा वो डायमेंशन अल्फा लिख रहे होंगे, अल्फा वही क्या लिख रहे होंगे, डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव कर रहे होंगे करोगे लगा प्लीज सवाल कबूल लगा। वो तो बुक में किया हुआ है ना, वहाँ एनसीईआरटी में करते हैं ना वो तो, सर मस्त है वो तो, मजा आ जाता है उसमें, पहले से फॉर्मूला पता है बस डिराइव कुछ भी करके करना है। वो टीचर चेक भी नहीं करता, मतलब हमारे स्कूल की बात करें तो वो एक्चुअली पहले फॉर्मूला पता है तभी तो वो प्रोपोर्शनलिटी देखी गई वो पता नहीं अजीब सी बना रहा है, फैक्टर हो सकता है प्रोपोर्शनल होने के लिए, सब पे चेक करेंगे। वाई इक्वल टू आपको दे रखा है यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी, आपको यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है, यहाँ पे ये वेव के लिए बात कर रहे हैं ना, ये वेव वेव पे आए थोड़ा सा वापस मुड़ के, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी होता ही है, और क्वेश्चन नहीं है ना, नहीं क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड सेम है, वहां पे ए था तो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, साउंड वेव में क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास साउंड का सोर्स है, ये एक साउंड का सोर्स है जिसका यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है आपको पी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी, और आपसे पूछा जाए कि इससे आर दूरी पे इक्वेशन निकालो, तो इस r दूरी पे जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, p डैश इक्वल टू, अब बताओ यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज होगा ना, हाँ सर, और 1 अपॉन r टाइम्स चेंज हो जाएगा एम्पलीट्यूड, यस सर, हाँ सर, साइन अंदर क्या लिखा जाएगा ओमेगा, बाकी तो वही t माइनस x अपॉन v, यहाँ पे स्पीड साउंड की स्पीड यूज की जाएगी और क्या है, ठीक है, समझ आई बात ये, Yes, sir. यही सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होता है प्लेनर साउंड के लिए, मतलब साउंड का सोर्स इंफिनिटी पे हो, साउंड सोर्स एट इंफिनिटी, तो वहां से जो साउंड निकल के आती है वो प्लेनर साउंड बोलेंगे उसे, प्लेनर साउंड, प्लेनर साउंड का मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके से आ रही है साउंड, ठीक है, साउंड ऐसे आ रहा है, मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, इंटेंसिटी क्या है इसकी, कांस्टेंट है, अगर आई कांस्टेंट होगा तो एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होगा ना, नहीं मतलब अगर आर चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, अगर इंफिनिटी है ना वो इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही ना, वहां तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, मतलब चेंज नहीं हो रही है इसमें क्या, देख उसमें क्या हो रहा था कि वो तो फॉर्मूला में p अपॉन 4 पाई r स्क्वायर वाला बात कर रहा है, 4 पाई r स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इनफिनिटी, तो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, फिर इंटेंसिटी टेंडिंग टू जीरो कांस्टेंट, इनफिनिट, वैसे इनफिनिट पॉसिबल तो नहीं है ना, नहीं हाँ ये प्लेन मिरर जैसा कंसेप्ट चल रहा है, इनफिनिट पॉसिबल तो नहीं है ना, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएशन बहुत कम है, वेरिएशन क्या है, बहुत कम, डेल्टा पी नॉट एस नॉट और एम्पलीट्यूड सब यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, मैकेनिकल ऐसा नहीं हो जाएगा, If sound source is
अलाइन सोर्स ये सब पॉइंट सोर्स थे ना, ये था ये पॉइंट सोर्स था पहले, ये पॉइंट सोर्स था, फिर ये इसको बोलते हैं वैसे प्लेनर सोर्स, क्या बोलते हैं इसे, प्लेनर सोर्स। अब ये लाइन सोर्स, लाइन सोर्स के लिए सर अटक गए ना भाई, मुझे लगा मेरा नेट गया। बहुत होता है मंडे से तो खुशी पंकज सर की आवाज तो आ रही थी, राजकोट कैसे है, आ गए राजकोट से आ गए होंगे, ओम समझ ले यार कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए रात के बाद, रात 10 से 12 तक रात के क्या, कल सुबह आते तो भी चलता। होस्ट कौन बनेगा देखो, तुम लोग सर की स्क्रीन पे एनोटेट करके देखो, कुछ होगा नहीं, सर चले गए, अरे चिन्मय अरे चिन्मय देखो और क्या, अरे अभी दो मिनट वापस सर आ जाएंगे, ऑन कर दी मैंने गूगल रिकॉर्डिंग देख ले, वही चल रही है, वही इतनी सारी कैसे देखेगा भाई, व्यूज कैसा लग रहा है, वैसे नहीं ऐसे चम, उसका तो ऐसे चम से बाकी है ना भाई, उसका तो वहां से बाकी होगा, ऐसे चम तो अच्छा टेंपर है, बहुत मुझे लग रहा है ऐसे चम वेव्स दोनों, हां ऐसे चम केमिस्ट्री और मैथ्स सारी हो गई, फिजिक्स चल रही है, वो तो इजी है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री तो खत्म हो गई मेरी केमिस्ट्री की नोट नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं, मतलब मेरा होता है फिजिक्स में तो दो दो बार ऐसा रिवाइंड कर करके, अरे एक दिन में, लेकिन उसमें फायदा तुम्हारा ही है, तुम्हारी मस्ती होती है। अरे हाँ वही मजा, अमित सर आ गए, अमित सर आ गए, अबे तुमने ये क्या, ये चिन्मय कर रहा है सर, ये सर चिन्मय कर रहा है, मैंने क्या किया, अरे ये सब मैंने नहीं किया, अरे स्क्रीन शेयर चालू किया था, वो चला गया यार सारा कुछ लिखा था जो, थोड़ा बहुत तो सेव होना चाहिए, यही प्रॉब्लम है एक तो ऑफलाइन हो जाएगा ना तो बस कोई प्रॉब्लम बोल रहा है, उसमें तो और भी सेफ नहीं होने वाला, कोई भी अमिता का चला तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, लाइन रिकॉर्डिंग में ले लिया, अरे अरे सर बोलो सर, अरे अरे लाइन शॉट्स में इंटेंसिटी 1/r के प्रोपोर्शनल थी, है ना, आप कोई फिगर रहे थे कि सीधा लिख रहे थे, पॉइंट सोर्स है ना तो फिगर ना, वो टॉपिक फिर से लिख सकते हो, अरे लाइन सोर्स वाला था ना भाई, ऐसे हां वो फिगर बाकी है, सोर्स इज अ लाइन, उसके बाद यही लिखना है ना, आपने फिगर नहीं बनाया था, साउंड का जो सोर्स है वो इस बार लाइन लाइन के फॉर्म में है, मतलब है ना लेंथ वाला है, हां उस सेंटेंस के बाद यही लिखना है ना सीधा, हां हां ये लिखना था, इसको स्पीकर गेन सर पॉइंट विल 4 नहीं 2 पाई आर एल हो गए, 2 पाई आर एल, आर यहां पे ये डिस्टेंस है, ओके मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जैसा, हां सिलेंडर जैसे, तो इसमें ना वो बनते हैं क्या कहते हैं, 12th क्लास में अपन पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, वेव फ्रंट, और वहां पे भी जैसे हीट में अपन ने पढ़ा था ना, तो आइसोथर्मल सरफेस होती है, ऐसे सरफेस जिन पे सभी पॉइंट का टेम्परेचर बराबर हो, आइसोथर्मल सरफेस बोलते हैं उसे, तो अगर इंटेंसिटी 1/r के प्रोपोर्शनल है तो
इन पे एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा? एम्पलीट्यूड डेल्टा पी नॉट ए प्रोपोर्शनल टू 1/√r. तो पहले जो इक्वेशन यहाँ पे अपन ने लिखी थी पी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी, वही यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा पी नॉट डिवाइडेड बाई रूट आर, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन एक्स की जगह आर, आर था यहाँ पे ना, आर अपॉन वी, आर लिया है अपन ने डिस्टेंस, तो आर अपॉन वी लिखना. समझ आ गई सर? वो इनफिनिटी वाला प्लेनर सोर्स गिनते हैं कि मतलब वो लाइन सोर्स भी हो सकता है ना, क्योंकि ऐसे ही जा रहा था. वो प्लेनर सोर्स होता है, प्लेनर सोर्स. सर वो समझना है ऐसा क्यों होता है. सर वैसे यहां रूट आर क्यों है? रूट आर इसलिए होता है क्योंकि इंटेंसिटी 1/r के प्रोपोर्शनल है. ए सराउंड साउंड और वो सब होता है उसमें कैसे होता है? हां जो सराउंड साउंड ऐसा सब होता है उसमें कैसे चलता है? सराउंड साउंड्स क्या? सो होता है ना तो सराउंड साउंड सिस्टम. अबे मैं साउंड मैकेनिक थोड़ी ना हूं यहां पे. साउंड साउंड क्या होता है? फिकल से बोलेगा तो सर कि वो 5.1 समझाओ 2.1 समझाओ उसमें क्या होता है? हैं 5.1 वो क्या होता है? अरे वो ऑडियो 5.1 है सर. वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे डॉल्बी बोलो तो पता लगे, मतलब डॉल्बी सब 5.1 होते हैं ऐसा? अरे नहीं सर, फेमस वो है. अच्छा फेमस वो है डॉल्बी एटमॉस. डॉल्बी एटमॉस सर. तो इसमें रूट आ रहा है, पिछले में आर क्यों आया था? अरे क्योंकि उसमें 1/r² से प्रोपोर्शनल था. हां यार थोड़ा तो स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग साउंड वेव्स ऐसा नहीं इन साउंड. अरे बस सर वाह. अरे इसके बाद खत्म ना? हां खत्म खत्म बेटा खत्म. बस डॉक्टर ने टॉपिक डाल दिया फिर खत्म हो गया है. जैसा स्ट्रिंग में था ना वैसे ही दो इक्वेशन को सुपर इम्पोज करके एक नई इक्वेशन बनाई जाती है. तो अपन एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की लिख रहे हैं ध्यान रखना. डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव पे आएगी स्टैंडिंग या फिर इसे स्टेशनरी. ठीक है ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये लिख लेते हैं 2s0 साइन ओमेगा टी प्लस 5/1. और ये मैंने ओमेगा टी पहले लिख लिया, ओमेगा टी की जगह पहले के एक्स लिखना क्योंकि के एक्स वाला होता है ना, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट के एक्स लिखना पहले. ओमेगा टी प्लस 5/2 वाला पीछे लिख लेना. ठीक है यस सर ठीक है. लगी बात ही. अब डिस्प्लेसमेंट वेव से प्रेशर वेव बनाने के लिए क्या करना होता है? एम्पलीट्यूड को चेंज करना होता है. और फेज, फेज पाई बाय 2 का डिफरेंस होता है. तो ये 2 डेल्टा पी नॉट ये एम्पलीट्यूड चेंज कर. नहीं नहीं तो प्रेशर वेव बन जाएगी. एम्पलीट्यूड तो चेंज कर ही दिया है अपन ने. एक जगह ही नहीं होती ऐड, वो उसमें आपने बताया था दोनों दोनों दूसरा वाला कॉस हो जाता है ऐसा नहीं है? दोनों इसमें दोनों जगह होगी ना. वो तो उसमें वेव अलग थी ना, ये अपन अपन ने लास्ट में बनाई थी वो वाली वेव ही है. फिर आप कुछ लिख रहे हो? एरो हटा दिया, एरो बना रहा हूँ ना दोबारा. बहुत लैग कर रहा है एकदम. मैं लैग हो रहा है भाई. मेरा लेट कर रहा है कि क्या दिक्कत है आज? हो सकता है नहीं, नहीं नहीं सर आपसे कैसे गलती हो सकती है? नहीं हो सकता है, अभी नेट चला गया था ना थोड़ी देर में.
वो पता लग जी कौन सा नशा करता है। आपको पता चला कल मैं ये देख रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग, तो उसमें मैं लिखता हूँ ना जो ये मेरा पेंसिल तो चलती नहीं है बस ऐसे जैसे नहीं चलती है ना अभी भी चल रही है, उसमें रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रही थी, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कलर वीडियो में नहीं चलती है कभी कभी ऐसे, हाँ अजीब सा रहता है, अब तो आदत हो गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा मैं कलर फिल कर रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, लिखते ऐसे लगता नहीं है वो कि लिख रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है कलर फिल कर रहे हो आप। फिर वैसे आप अपनी रिकॉर्डिंग क्यों देख रहे थे? अरे वो अभी अभी चालू हो गया, आपने बोला था इसलिए। हाँ नहीं वो क्या था कि ये वाला देख रहा था मैं कि ब्लैक पे कैसे दिखाई दे रहा है वो। अच्छा मतलब जैसा आप लिख रहे हो वैसा दिखाई दे रहा है। हाँ मतलब नहीं कैसे मतलब रिकॉर्डिंग में कैसे साफ सुथरा कैसे क्या दिखाई दे रहा है। तो चिन्मय की स्क्रीन के ऊपर है ना, हम सबको सेम ही दिख रहा होगा, मेरे को फोन में भी वही दिख रहा है जो लैपटॉप पे दिख रहा है। वैसे नहीं समझ नहीं रहा ये देखो, ये अपन ने बना लिए डिस्प्लेसमेंट वेव। अब डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में क्या डिफरेंस है फेज एंगल का? तो अगर ऊपर साइन का ग्राफ बनेगा तो नीचे किसका ग्राफ बनेगा? कॉस। कॉस का ग्राफ बनेगा ना, और कॉस का ग्राफ यहाँ से बीच में से ए बात खत्म हो गई, लास्ट में जोक मारता है। ऐसे चलेगा ना, चलेगा। और इसका वो नीचे वाला बनाए तो वो ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे दोनों इक्वेशन और ग्राफ बना लो, एक काम आ जाते हैं। ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट वेव क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेव ये चाप देखने को ना, नीचे प्रेशर वेव है। प्रेशर ठीक है, गोटा हो गया क्या? मैंने एक जगह पे वेव का मतलब वेव लेंथ बहुत कम कर दी, उसे बढ़ा दी वापस। मैंने भी ऐसा ही हुआ है, बना लेना जैसे। सर तो प्रोफेशनल है, तो हम थोड़ी ऑफलाइन में मजा आएगा। हाँ ऑफलाइन में सर नोट्स भी चेक करेंगे क्या? पता चला एक हफ्ते बाद तू रो रहा है पार्थ। नहीं तू ही नहीं बाकी सब भी, मैं ऐसे मतलब इन जनरल बोल रहा हूँ। क्या मिटा दो निशान, ये हटा दो क्या? नहीं नहीं सर। हाँ सर चिन्ना भाई बहुत चुल मची हुई है इसको। सर अब रोटेशन चालू ना? हाँ बेटा रोटेशन चालू, अभी तो फ्लूइड भी तो पढ़ना है बेटा। पार्क नहीं करना वो चालू ना? नहीं अभी तो शांति रखना। कितने दिन और चलेगा ये पूरा महीना? अभी तो लगभग 3-4 दिन का और है। अरे अब 2 घंटे में खत्म करने वाले थे मतलब ऑफलाइन में, वही तो क्लास तो हो गई। ऑफलाइन में तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता ना। अरे ऐसा थोड़ी होता है सर, और ऐसा ही होता है। ऑफलाइन में डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तू जा ऑफलाइन में पढ़ना है कि ऑनलाइन में? चलो हेडिंग डालो, ऑर्गन पाइप। ऑर्गन शादी में वो बजाते हैं, वो शादी में बजाना आते हैं ना बैंड बाजे वाले। वापस वही किया, उंगली पढ़ना पड़ेगा। अरे मान लो कि अपन कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो एक चीज तो पढ़ी है ना अपन ने, ऑर्गन पाइप कैसे बजाते हैं। स्टेटस मस्त है क्या? पेंगोइन टू बी सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर। मतलब आपको पता है कि ये नॉनसेंस होता है फिर भी आप पढ़ाते हो?
अपन तो बहुत सारी नॉनसेंस चीजें पढ़ भी लेते हैं कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। ये सब थ्योरेटिकली तो पढ़ रहे हैं, ये तो एयर रेजिस्टेंस होता है कहाँ पे एम्पलीट्यूड बराबर रहेगा और कहाँ क्या होगा। पागल हो जाएंगे। भाई रियलिस्टिक चीजें तो बहुत टफ है इससे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे दिमाग खराब, काम खत्म हो जाता है। रियलिस्टिक तो रोटेशनल है, कहीं पे एयर तेज चल रही हो, धीरे चल रही हो, तो सब जगह एयर रेजिस्टेंस अलग अलग नहीं क्या? टेम्परेचर ही वेरी कर जाता है, टेम्परेचर ही वेरी कर जाता है। मान लो ऊपर बादल आ गया, सुना तो सही, ऊपर बादल आ गया, एक जगह ठंडी होगी छाव होगी, एक जगह गर्मी है, तो टेम्परेचर ही वेरी कर गया नहीं क्या? ओ तो ये तो अपन बहुत बहुत सुपरफिशियल चीजें पढ़ रहे हैं जिनका कोई जिंदगी से लेना देना ही नहीं होता है। वही तो। इसमें लिखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड मतलब दोनों साइड से क्लोज, ओपन मतलब फिर तो बजाएंगे कैसे? हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा था, तो बजाएंगे कैसे? एक साइड से ओपन होता है ना, क्लोज का मतलब होता है एक साइड से ओपन, एक साइड से क्लोज। अच्छा, ये दोनों साइड से ओपन होगा। हाँ, ये दोनों साइड से ओपन होता है। सर पहले आपने उल्टा बोला था। मैंने जानबूझ के बोला था, जिस पार्ट ने बोला तो था कि क्लोज ऑर्गन पाइप, मतलब मैंने बोला दोनों साइड से क्लोज, फिर ओपन बोला दोनों साइड से ओपन। तो घाटा होगा, पैसे नहीं देंगे सामने। अच्छा, ऐसा ऐसा कुछ होता है ना जिससे हम ये एयर रेजिस्टेंस को मतलब उसके साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। बी लगाना पड़ता है कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसा कुछ। वो तो डैम्पिंग, डैम्पिंग वो तो बाद में करेंगे। ऑसिलेशन वाला नहीं तो रियल लाइफ के लिए मैं के लिए बी कांस्टेंट लगाते हैं। अपनी क्लास की बात नहीं कर रहा। अरे भाई एफ इज प्रोपोर्शनल टू वो होता है वेलोसिटी, तो एफ इक्वल टू माइनस बी इनटू वी फंक्शन बनता है। ये तुम्हें काइनेमेटिक्स में पढ़ाया तो था मैंने बादल वाले क्वेश्चन में, एयर की वो क्या कहते हैं ड्रॉप के केस में एयर रेजिस्टेंस फंक्शन निकाला तो था मैंने। ऊपर नीचे लगते ही है, नीचे आ रही ड्रॉप तो ऊपर लगेगा और नीचे से कोई चीज ऊपर जा रही है तो नीचे लगेगा। चलो इसको अपन पढ़ेंगे, बस इतना ही लिखना ना। कल क्या है? कल तो सैटरडे फ्राइडे। कल सैटरडे नहीं, कल फ्राइडे। ओ सॉरी यार, तुम एक दिन आगे चल रहे हो क्या? वो बोलेगा 6 दिन पीछे चल रहा है। इसको सैटरडे की बहुत खुशी है मतलब, है ना? चिंता मत कर, कल मैं अच्छा सा होमवर्क दूंगा। अरे सिर्फ उदय को सर उसकी गलती है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर रुको, ये ऑर्गन पाइप्स वाला लिखना है। अरे ऑर्गन पाइप लिख लेना, एक खुला होता है और एक बंद होता है, और क्या खुला पाइप बंद पाइप। मेरे को ये डायग्राम बनाने में तीसरी कोशिश पे बन रहा है, मतलब 35 कोशिश। कौन सा डायग्राम? वेव की बात कर रहे हैं क्या तू? हाँ, 3.5 कोशिश। वो ठीक है, बदल गया ये क्लोज ऑर्डर तो। उसने तो बनाया भी नहीं होगा। ओहो अमन, अरे नहीं सर, वेव के वेव से तो अमन ने पी रखी हो ना, तो ही ऐसा। और हर्ष को ज्यादा पता है। चलो नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। रुको बाय सर।